इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूप नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, शांति मेडिकल्स, MMF इंफोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभी, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटोदी, श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर, श्री राजकुमार, श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद, श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप, श्रीमती सीमा जैन, रासू, शीतल, राहुल, अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा, विमल पांड्या, इंदौर, स्नेहलता, विकास काला, जयपुर, ममता, सुरेश सेठी, कोलकाता, सानू, अमित जैन, सूरत, पूर्वा, हर्ष पाटनी एवं हितांश, कोलकाता, सलोनी, हर्षवर्धन जैन, आगरा, वेदिका, यश पाटनी, नागपुर, माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर, श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। यो विश्वं वेद वेद्यं जनन जलनिधेर भंगिनः पारित्रश्वा पौर्वापर्या विरुतं वचनमनुपमं निष्कलंकं यदीयं तं वंदे साधुवंद्यं सकल गुणनिधिं ध्वस्त दोषद विशस्तं बुद्धं वा वर्धमानं शतदल निलयं केशवं वा शिवं वा केशवं वा शिवं वा केशवं वा शिवं वा गुरु के चरण जहां पड़ते वह रज भी चंदन बन जाती प्रजा शांति का अनुभव करती वैर भावना मिट जाती अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे हम गुरुवर की जय बोलेंगे। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी सरल स्वभावी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। हुआरी करत बस आत्मा परमात्मा जैसा हो इसके लिए जो छल कपट की दीवारें हैं छल कपट का आवरण है जाल बिछा है उसे हमें भग्न करना है। माया मित्तानी नासे माया मित्रता का विनाश कर देती है आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं करने देती संधि नहीं करने देती। दुनिया से मिलने का तो विचार आता है मायावी को लेकिन निज परमात्मा से मिलने का भाव नहीं आता क्योंकि आत्मा का परमात्मा से जो मित्रता का जो संधि है वह करने नहीं देती। मित्रता का विनाश करने वाली यह माया खतरनाक शल्य है। तो क्या हम इन विभावों की ही चर्चा करेंगे कि जो हम अपने भीतर में गुण का अस्तित्व रखते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे क्या 10 दोषों ने 10 गुणों को भगाने की ठान ली है क्या
इतनी सामर्थ्य है दस दुर्गुणों के अंदर जो दस हमारे गुणों को भगा दे, हटा दे? नहीं, वो हमारे भीतर आज भी शक्ति रूप में विद्यमान है, लेकिन हम उसे भूले बिसरे हैं। हम उसको स्मरण में भी नहीं लाना चाहते, जीवन में आचरण में उतारना ही नहीं चाहते। कारण, हमें अभी विभाव बहुत रुचिकर लग रहा है, विकारी भाव बहुत अच्छे लगते हैं। छल कपट करके हमारा काम बन जाता है तो बड़ी ही खुशी होती है। चाहते हैं कि सारे लोग, दुनिया के लोग सीधे हों, और हमारे सामने जितने भी आए सब सीधे लोग आए। टेढ़ा व्यक्ति हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, छल बल वाला हम कतई पसंद नहीं करते, कोई धोखे धड़ी वाला हो, षड्यंत्रकारी हो, तो हमारे तो आंखों में बहुत चुभता है, हमारी नजरों से बहुत दूर चला जाए, ऐसा हमारा मन कहता है। तो हमारा परमात्मा भी तो कहता है ना कि जब तुझे छली व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी छल अच्छा नहीं लगता। निश्चल हो जा चेतन, निश्चल हो जा। कितना छल करेगा, खाने में छल, सोने में छल, बोलने में छल, व्यवहार में छल, और तो और मंदिर में छल, मंदिर की क्रियाओं में छल, भगवान से छल, तुझे क्या हो गया चेतन, क्या हो गया? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ राज लिखते हुए कहते हैं, सत हदिय पत्त यदिय रोचे दिय तपुनो फांसे दी धम्मं भोगणि मितम नतु सोकम खयणि मितम। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। कुंद कुंद महाराज क्या कहते हैं, हे भव्य जीवो, तुम धर्म का श्रद्धान करते हो, धर्म का श्रद्धान करते हो, धर्म के सत्य यदि पत्ते यदि उसकी प्रतीति भी करते हो, वह रुचिकर भी तुम्हें लगता है। अगर धर्म रुचिकर ना लगता तो तुम यहाँ आते क्या, इतनी देर बैठते क्या, ये व्रत उपवास करते क्या, जाप करते क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हें धर्म रुचिकर लगता है। पुणोय फांसी दी, रोज रोज आप धर्म के अनुष्ठान को करते भी हैं, उस धर्म का स्पर्श भी कर रहे हैं, तो तुमने क्या क्या किया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुमने क्यों क्यों किया, क्या क्या किया नहीं पूछ रहे कुंद कुंद महाराज, क्यों क्यों किया ये बताइए। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, किस मान्यता से किया, क्या पाने के लिए किया, क्या अभिप्राय है तुम्हारा। मोक्ष मार्ग में अभिप्राय बहुत महत्व रखता है, मान्यता, मान्यता। अगर झूठी मान्यता है और तुम खूब सारी क्रियाएं भी कर रहे हो, क्रिया बहुत अच्छे से कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, एक एक माह के उपवास भी कर रहे हो, सो व्हाट, क्या होना है उससे। अगर लक्ष्य सही नहीं है, लक्ष्य नहीं है तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं है तो जलधार बहाने से क्या होगा। बाह्य को छोड़ पहले मूल को सुस्थिर करो। जीवन नहीं है तो मुर्दे को सजाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य, क्या गोल है तुम्हारा। गोल तो गोल हो गया तुम्हारा, प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, ख्याति के लिए कर रहे हैं, घर में एक आध बेटा हो जाए इसके लिए विधान रचा है, घर में बहू बहुत बहुत क्या बताएं, जब से आई है बहुत परेशानी हो गई है, इसीलिए हम चाहते हैं कि विधान करने से वो भी सीधी हो जाए, बेटी सीधी हो जाए, बात मानती नहीं है, बेटा हमारा कुछ कहना नहीं मानता, वो भी सीधा हो जाए, सब लोग सीधे हो जाए, और तुम अगर सीधे हो गए तो सबको सीधे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्वयं सरल हो गए तो हमें औरों को सरल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पर्याप्त है स्वयं को बदलना, बस। पर से दृष्टि ही हट जाएगी, कल कोमल होने का दिन था, कल से हमारी चेतना में एक भाव जागा है, अब हम कोमलता लाएंगे। तो आज से आचार्य भगवान कहते सरल होने का दिन आ गया। वैसे तो यह पर्वराज परिषद महामहोत्सव चल रहा है, उष्णंती दहियंती पाप कर्माणि यस्मिन पर्वणि तत्पर्युषणम्।
जहां पाप कर्म को दहन किया जाता है, जलाया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, उसे पर्युषण कहते हैं। पाप कर्म को जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। तो आप अपने दिल से पूछिएगा, इन पर्युषण के दिनों में आप लोग जो धर्म आराधना कर रहे हैं, क्या सच में पाप कर्म भस्म हो रहे हैं? पाप का भाव नष्ट हो रहा है? अंतरंग से क्या ये अनुभूति हो रही है? पूछना अपने मन से, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सीधा हो, सरल हो, ऋषु हो एकदम। क्यों? दुनिया पसंद करे इसके लिए नहीं। आप एक अनुभव करके देखिएगा, जब हम बहुत सरल होते हैं, बिल्कुल सरल, सच्चे, सीधे, तो हम अपने आप को कितना पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात कह रही हूँ। जब हम बहुत सरल होते हैं तो हम अपने आप को कितना पसंद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और हमें अनुभव में आने लगता है, आज मैं सरल हूँ, सहज हूँ, कल मैं भगवान भी हो सकता हूँ। क्योंकि भगवान होने का मार्ग यही है। ये हमारे भीतर से आवाज आती है। आपने कभी गौर किया हो, बच्चा जितना सरल होता है बचपन में, छोटे में, उतना ही सारे लोग उसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसा जैसा वह कठोर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा का मतलब वह छल कपट व्यक्त करने लग जाता है, फिर उसको कोई पसंद नहीं करता। देखिए ना, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सज्जन लोग तो सीधा चला करते हैं। सज्जन लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी सीधा चला करते हैं। वे कौन हैं जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते हैं? गजब तो ये है कि ये लोग सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा मेढ़ा चला करते हैं। रास्ते सीधे हैं लेकिन टेढ़ा मेढ़ा चल रहे। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों पैरों को तोड़ रहे हो? सीधा सीधा चलो ना। स्ट्रेट वे है मुक्ति का, सीधा रास्ता है, लेकिन सीधा पसंद नहीं है, चलना पसंद नहीं है। बाकी तो सारी चीजें पसंद करते हैं। शिखर जी जाते हैं, लकड़ी कौन सी लेते हैं आप? टेढ़ी मेढ़ी लेंगे क्या? ऊपर चढ़ना है लकड़ी पकड़ करके। कौन सी लकड़ी खोजते हैं? जो एकदम स्ट्रेट हो, एकदम सीधी हो। लकड़ी सीधी पसंद करते हैं। मार्ग टेढ़ा मेढ़ा पसंद करते हैं क्या? नहीं भाई, कहीं भटक गए तो शॉर्टकट के चक्कर में कई लोग भटक गए शिखर जी में, हाँ जंगलों में भटक गए। जब हम लोग गए थे तब भी हमने देखा दो महिलाएं भटक गई थी, दूसरे दिन मिली बड़ी मुश्किल से। हाँ, इसलिए हर व्यक्ति चाहता भैया रास्ता तो सीधा ही पकड़ना, चाहे लंबा हो। हाँ, तो रास्ता भी आप सीधा पसंद करते हैं। सीधे ही वृक्ष काम में लाए जाते हैं, उसी के ही फर्नीचर्स तैयार किए जाते हैं। टेढ़े मेढ़े तो जलाने के काम में आते हैं। दृष्टि किसी की तिरछी हो बिल्कुल ना पसंद है। सीधी दृष्टि रखो भैया, काय को टेढ़ी तिरछी दृष्टि रखे हो। जो तिरछी चाल से चले, आपको वो चाल पसंद है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो गज गावी नहीं, सीधी सीधी चाल अच्छी लगती है। कोई लोग पहले टोपी लगाते थे तो तिरछी टोपी भी अच्छी नहीं मानी जाती थी। भैया सीधी लगाओ टोपी, आज तो टोपी ही उड़ गई। घर अगर तिरछा बना हो तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता। भैया सीधा घर होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल सीधी चाहिए। ये सब अशुभ है। तो हर वस्तु आप सीधी पसंद करते हैं तो स्वयं सीधा होना क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं सीधे होते? कुछ लोग सीधे से बैठने लग गए। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ बैठने से नहीं है, अंतरंग से सीधा होने से है। वक्र नहीं होना। आज तीसरा दिन है महापर्व का, शाश्वत सार्वभौमिक त्रैकालिक महापर्व का तीसरा दिन है, और पूरी तरह से जिसमें अनुशासित हुआ जाता है उसको हम यह महापर्व कहते हैं। दश लक्षण महापर्व कहते हैं। मन से, वचन से, काया से, हर तरह से। लेकिन जब मन में छल आ जाता है तो वचनों में भी छल आने लगता है, और काया की चेष्टाएं भी
छल पूर्वक होने लगती है। मैंने सुना था एक विद्वान ज्योतिषी पुरोहित ने जब राजकुमारी को देखा तो देखते ही उसके ऊपर बड़ा मोहित हो गया। अब उसने सोचा कि राजकुमारी मिले तो कैसे मिले, और नहीं मिले तो मेरी जिंदगी व्यर्थ गुजर रही है, कैसे भी करके मुझे हासिल करना है। सबसे पहली गलती पर वस्तुओं को अपना मानना, अपना बनाने की कोशिश करना, उस पर रीझ जाना, फिर उसको अपना बनाने की कोशिश करना। और कोशिश के लिए जब भी पर वस्तुओं को हासिल करोगे आपको पाप करना होगा, आपको कषायें करनी होगी, इसके बिना पर वस्तु तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और नहीं मिलती है अगर सामने वाले को पता चल जाता है तो आप उसके प्रति बदले की भावना कर देते हैं। अगर उसे पता चल जाए तो आप उससे बदला लेना ठान लेते हैं। छल बल से कैसे भी करके उसे परास्त करो, जबकि गलती तो हमारी थी, शुरुआत तो हमने की थी ना, पर हम अपनी गलतियों की ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य के दूसरे खंड में बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब माटी कांटे को समझाती है, कांटा आता है बीच में, जब माटी छानते हैं ना तो कांटे भी वहां पर रहते हैं, तो वह छानने के उपरांत की घटना है। जब उसको रौंदते हैं तो वहां पर एक कांटे का पौधा था। जब माटी को खोदा गया था तो उसकी टांग टूट गई थी खोदने के समय पर, आधा माथा भी फट गया था। तब से कांटे ने वैर लिया था कि हम शिल्पी को जरूर पीड़ा देंगे, चुभेंगे, अन्यथा हमें शांति नहीं मिलेगी। तब माटी उस कांटे को समझाती है, सुनो, बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल बन चेतन रूप भास्वत भानो भी अपने अस्तित्व को खो देता है। और सुनो सुनो क्या सुनाती है माटी, सुनिएगा और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था किसने, दशानंद ने। और बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल, तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ, और यश का बल पतित हुआ, यही हुआ ना, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, यूं चिल्लाता हुआ रो पड़ा। तभी उसका नाम रावण पड़ा। क्या होगा अगर छल बल का आलम्बन लोगे, तुम्हारा यश भी जाएगा, यश धूमिल हो जाएगा, मन का बल मथित हुआ व्यथित हुआ। इसलिए छल बल का प्रयोग मत करो, छल का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो तत्काल में आपको लगेगा कि षड्यंत्र से मेरा काम हो गया, लेकिन निश्चल मन का शाश्वत प्रभाव पड़ता है, ये विश्वास कीजिएगा। लेकिन व्यक्ति तो चाहता है कि वर्तमान में मेरा काम बन जाए, कैसे भी बन जाए, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। कपट के पट एक न एक दिन खुलते अवश्य हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, आज नहीं तो कल, पर कपट के पट अवश्य खुलते। भाई कागज की नाव को कब तक चलाओगे पानी पे, गल जाएगी। रुई में लगी आग आखिर ऊपर तो आती ही है, लकड़ी की हांडी में कब तक आप पकाते रहोगे, एक बार चढ़ेगी चूल्हे पे और लकड़ी की हांडी जल जाएगी। बस उसी प्रकार से कपट वर्तमान में बहुत अच्छा लगता है। शातिर दिमागी बेटा हो तो बाप उसे सो सो आशीष देता है, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा, तेरा दिमाग ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही छल कपट करता रहे और मायाचारी करके नरक निगोद की यात्रा करना, यह आशीर्वाद देता है आज का बाप बेटे को। कोई पिता ऐसा है जो ये कहे कि बेटा आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसा बिल्कुल सरल स्वभावी बनना, कैसा, हाँ वैसा ही। जब आचार्य भगवान के पास में वो एक व्यक्ति विद्वान आया जिसने कभी साधु को प्रणाम किया ही नहीं था, झुका ही नहीं था, और जब गुरुदेव के पास में आया
बहुत नाम सुना हुआ था, बैठ गया आकर के बिना प्रणाम किए ही और पेज पलटने लगा बिना पूछे ही। आचार्य भगवान तो अपना कार्य करते रहे, वो तो अपना पाठ कर रहे थे, सो शांति से करते रहे, देखा तक नहीं उसकी तरफ। उसने कॉपी को उठा लिया अपने हाथों में और पढ़ने लगा। क्या कविताएं, गजब की कविताएं हैं, अध्यात्म की कविताएं। पढ़ करके फूला ना समाया। उसने कहा, महाराज मैं ये ले जाऊं, आपकी आज्ञा हो तो। पूरी मूक माटी की कॉपी जो रफ थी, एक भी उसकी दूसरी कॉपी नहीं थी, उठाई और ले जाने लगे। आचार्य भगवान ने कुछ नहीं, एक मुस्कान दी ऐसा किया और वापिस अपने पढ़ाई में लग गए। 4 साल की मेहनत से लिखा महाकाव्य पूरा के पूरा उठा के ले जा रहा है। बाहर जाकर के ब्रह्मचारी जी ने लिया हाथ में, कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो, अनमोल चीज है, मुझे जेरोक्स करा लेना। नहीं, तुम्हारे गुरु से पूछ लिया मैं, उसके गुरु तो थे ही नहीं, तुम्हारे गुरु से पूछ लिया मैंने। जब वह ले जा रहा था तो एक जेरोक्स करवा दी। फिर बाद में उस शख्स को जब पता चला कि महाकाव्य है मूक माटी और मैं पूरा उठा के ले जा रहा था, पर चेहरे पर एक सिकन नहीं, जिनके चेहरे पर वही मुस्कान जो पहले थी, ले जाने के बाद में भी वही मुस्कान, मैं जा रहा था एक बार भी उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, मैंने पीछे मुड़ करके देखा, कहीं देख तो नहीं रहे, कहीं बुला तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी देखा तक नहीं। वाह, धन्य है उनकी निरीहता, निष्प्रता, उनकी सरलता, उनका निश्चल मन, धन्य है। किसी से जिक्र तक नहीं किया, लेकिन वह व्यक्ति जब मूक माटी महाकाव्य छपा, उसे पता चला वह पहली बार गुरु के चरणों में आकर के साष्टांग प्रणाम करता है, झुक जाता है गुरु के चरणों में कि धन्य है, मैंने ऐसा निरीह निष्प्रवृत्ति का कोई साधु संत नहीं देखा, आज प्रथम बार आपको प्रणाम करता हूँ और जीवन भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सरलता का कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, समझते हैं, न जाने क्यों छल करते हैं। योग वक्रता से अशुभ नाम कर्म का आश्रम होता है। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः और रिजो भाव इति आर्जवम्। जबकि रिजुता का भाव आर्जव धर्म, उसको हम अपने पास में रखें, उसी को उद्घाटित करें, तो वर्तमान में हम भी आनंदित और हमारे आसपास में रहने वाले भी आनंदित। हम भी आनंद से जीते हैं और आसपास के लोग भी आनंद से जी पाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सोमा, उसके अंदर इतनी सरलता थी कि सांप भी नाग भी माला बन गया। जब वो उठाती माला निकलता, और जैसे ही सांस जो कि कपटी थी वह उसको स्पर्श करती तो उसको फुत्कारता। ये क्या था, साक्षात उदाहरण है। तो आज ये है छली भाषा, कपट की भाषा, अंगार भरी भाषा। अपना रास्ता सही हो, बाकी दुनिया चाहे कहीं पर भी जाए, ये ठीक नहीं है। आचार्य भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ऐसा ही करके तूने भगवान को ठगा है। भगवान, अगर मेरा एक बेटा हो गया, 4-4 बेटियां मोड़ियां हैं, एक मोड़ा हो जाए, एक बेटा हो जाए, भगवान सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, सोने की टोपी। चलो भाई, संयोग से हुआ, कोई भगवान से नहीं हुआ, ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा भगवान के कृतकृत्यता के ऊपर। भगवान कुछ देते लेते नहीं है, लेकिन उसने भगवान की भक्ति की, पुत्र को पाने के लिए। ये सच में भक्ति नहीं है, तो एक व्यापार है, ये तो बिजनेस है कि आप ये दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, अदला बदली करेंगे, अर्थ विनिमय होता है ना। आप लड़का दोगे, मैं सोने की टोपी दूंगा। अब बेटा हो गया, करे तो क्या करे आदमी, बेईमान, भगवान से छल कैसे करता है इंसान, देखिएगा। वह भगवान के पास भी अब सोने की टोपी चढ़ाना है तो करे क्या, सोचता रहा लाखों की आएगी सोने की टोपी, सब बर्बाद जाएगा, और मंदिर में जाएगा ट्रस्टी वो ले जाएंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। ऐसा कुछ सोचो, और उसको एक अच्छा उपाय सोच गया। उसने बेटे का नाम सोना रख दिया, और उसने बुद्धि को बहुत धन्यवाद दिया। वाह वाह,
कितनी अच्छी बुद्धि मिली है मुझे, धन्यवाद मेरी बुद्धि को। और सोने की टोपी ले आया 2 रुपये की, भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। किसको ठग रहा है? भगवान को ठग रहा है क्या? अरे खुद को ठग रहा है। आज के इंसान के जीवन में यही हो रहा है, ना कायदे पसंद है ना उसको वायदे पसंद है, आज तो बस फायदे पसंद है। कमिटमेंट करके मुकर जाता है, कमिटमेंट करता है और मुकर जाता है। कब दिए, कहाँ दिए, कैसे दिए थे, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। मत चुकाओ बेटा, मर मर करके कई भवों तक भी चुकाना पड़ेगा। जिससे लिया है उसको तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसीलिए चाहे कितना छल बल करो, व्यक्ति ने 5 लाख रुपया ले लिया, लिखा पड़ी बेचारा सीधा तो की नहीं, मित्रता है और दे दिया, 5 लाख रुपया दे दिया। अब वो मुकर गया। कब दिया तूने? आज से लगभग 40 साल पहले की घटना है। तो उसको भी कहते हैं ना कि बाप को बेटा सवाया, और कोई मिल जाए उसको ऐसा, उसने ढूंढा किसी व्यक्ति को, उसने कहा देख जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। लिखा उसने, लिख दिया कि मैंने जो तुम्हें अमुक तारीख को 50 लाख रुपया दिए थे, देते हो या नहीं? नहीं तो कुछ सबूत भी है मेरे पास में। वो तिन मिला गया, है 50 लाख कहाँ से दिए थे? झट से उसने बोला, ए 50 लाख कहाँ दिए थे, 5 ही लाख तो दिए थे तूने। हो गई बात। ऐसी बात होती है, आज ठगने वाले ठोर ठोर पर आपको मिलेंगे। नकली माल, बेईमानी, धोखा, छल कपट। सुना था कि त्रियंच गति में होता है, अधिकांश बहुतायत होती है वहां पर, लेकिन आज मानवों में, मनुष्यों में बहुत दिखाई दे रही है। भूल से प्रेस वालों के पास में 15 रुपये का नोट क्या छप गया? अब सोचा प्रेस वालों ने कि इंदौर शहर में जाएंगे तो कोई नहीं लेने वाला, सब बहुत होशियार लोग हैं वहाँ के, तो क्या करें, किसी गांवों में चलते हैं। गांव वालों से कहा कि देखो ये नया नोट आ गया है, हाँ सरकार ने छपा दिया 15 रुपये का नोट, तुमने नहीं पढ़ा, न्यूज़ में आ गया ना? नहीं हमने तो नहीं पढ़ा। तो लाए हैं, चाहिए क्या तुम्हें? एक व्यक्ति आया, उसने कहा देखो भाई 15 रुपये हैं, लेकिन मैं पूरे 15 नहीं दूंगा, क्योंकि हमने न्यूज़ पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, सुनी भी नहीं है कुछ भी, तो हम तो 14 ही देंगे। उसने सोचा चलो 15 के 14 तो आ ही रहे हैं। वो घर पे अंदर गया और 7-7 की नोट बना करके ले आया। ठग को महा ठग मिल गया। हाँ अगर तुम सुनार से अगर सोना लेती और वो मिलावटी देता है, तो उसको भी जब घी खरीदना होता है तो वहाँ घी दे देता है 16 किलो का डिब्बा, अंदर में 15 किलो तक के पत्थर, और ऊपर में घी रख करके दे देता है, बेटा खाओ, जैसा तुमने नकली दिया सोना ऐसा तुम भी नकली घी खाओ। क्या है ये संसार? और इसी में संसार के अंदर तबाही मच रही है। व्यक्ति सही मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा है, चाहे कितने कहानी किस्से सुनते रहें, सुनाते रहें, दुनिया में देखते रहें, लेकिन शांति और आनंद तो हमारे भीतर के सरल स्वभाव में ही है, ये निश्चित बात है। जितना पर पदार्थों से और पर्यायों से हम प्रेम करेंगे, उनको चाहेंगे, वो मेरा है, वो अपना है मानते रहेंगे, उतना ही छल बल का दुष्प्रयोग करते रहेंगे। अब देखिए ना, रूप के लिए, ये रूप मेरा है, ये शरीर मेरा है, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, शायद अशाबे हैं। तो एकेंद्री में मायाचारी का भाव कैसा होता है देखिएगा। जैसे हीरा है और दूसरी तरफ कांच है, तो कांच वो भी हम किसी से कम नहीं और ज्यादा चमकेगा, ये उसकी मायाचारी है। सोने से ज्यादा चमक पीतल पर दिखाई दे रही है, बेंटेक्स में दिखाई देती है, लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये उसका छल है, मायाचारी है। जलकायिक में देखो अकस्मात ऐसा वेग बढ़ जाता है कि बड़े बड़े घर धराशायी हो जाते हैं, पनडुब्बियां जहाज पलट देता है वहां, ये क्या है, ये जल की मायाचारी है, जलकायिक की मायाचारी है, पृथ्वी कायिक, जलकायिक।
और अग्नि का एक अचानक विकराल रूप धारण कर लेता है, अचानक। और वायु कायिक को आपने देखा होगा विपरीत दिशा में। अब देखो ये जो माताएं उठ करके जा रही हैं, ये सब छल का प्रयोग कर रही है, इतनी धीरे से चल रही, उदाहरण पेश कर रही हैं, और हैं शिविरार्थी लेकिन जा रही हैं। बैठ जाएंगे आप अपने अपने स्थान पर, उदाहरण पेश मत करो, हम दे ही रहे हैं, देने ही वाले हैं उदाहरण, बैठ जाओ भी। वायु का विपरीत दिशा में बहना, ये क्या है? मायाचारी है। वनस्पति का कांटे बन करके चुभना, दो इंद्रिय आदि जीवों का आप देखते हैं, कई की तरह के कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, इसे चुपचाप काट के चले जाते हैं, खटमल कब आया कब काट के चला गया, और मच्छर को देखा गुनगुनाएगा थोड़ी सी देर कि मैं घूम रहा हूँ काट नहीं रहा हूँ, फट से काट के चला जाएगा। तो ये चार इंद्रिय तक की मायाचारी आपको समझ में आ गई ना? हाँ, पर इससे भी खतरनाक होती है पंचेंद्रीय जीव की मायाचारी। पर माता जी क्या करें, ईमानदार हैं तो सब हमको ठग लेते हैं। हाँ, जैसे सीधे पेड़ को काट लेते हैं ना, ऐसे ही लोग छिल करके हमारा जीवन तो बर्बाद ही कर देते हैं, इसलिए थोड़ा तो छल करना ही पड़ता है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोए, आप ठगाए सुख उपजे पर ठगिए दुख हो। ये कबीर दास जी कहते हैं। उनका बेटा कमाल का था, उसने कहा पिताजी मुझे तो चोरी करने जाना है, पिता से पुत्र बिल्कुल अलग था, मुझे चोरी करने जाना है, आशीर्वाद दो कि आज मैं सफलता हासिल कर सकूं। पिता ने कहा ठीक है बेटा, आशीर्वाद है, जा। वो कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज पिता इतना सज्जन कबीर दास और आज चोरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, वाह। अरे ऐसे ही होता है, दिखाना अलग है और अंदर से अलग होता है, आज पता चल ही गया, बड़ा खुश था। और जैसे ही चोरी करने घर में पहुंचा, पिता ने धीरे से कान में कहा बेटा तू कर ले चोरी, मैं बाहर पहरेदारी कर रहा हूँ निश्चिंत होकर के। पिता भी पुत्र को कुछ सिखाना चाहता था, उसने सारा माल इकट्ठा किया धीरे धीरे और ले जाने लगा, तो पिता ने कहा बेटा रुक, कहाँ ले जा रहा है? अरे पिताजी चोरी हो गई ना, अब चलो धीरे से। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाते, हाँ जैसे घर वाले जाग जाएंगे उनको कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, उन लोगों को जगा करके मैं बता देता हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा काम किया है, रुक जा। तब कमाल की आंखें खुल जाती हैं, वो सोचता है जो व्यक्ति इतना सीधा है इतना सरल है वो क्या कभी किसी के पर द्रव्य की चोरी कर सकता है? कभी चोरी नहीं कर सकता। उस कमाल की आंखें खुल जाती हैं और उसी दिन से उसने संकल्प ले लिया कि आज से अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुच्छ धन के पीछे माया का हार पहन लिया, मायाचारी का हार पहन लिया। तो जैनागम कहता है किसी को तुमने फूल बनाया है, फूल बनाया अप्रैल फूल, हाँ मूर्ख बनाया है, तो ठीक है आज तुमने उसको फूल बनाया है, माया का हार तुमने पहन लिया है, अब हार बन जब बनाएगा ना तो फूल बन करके उस हार में तुम गुथे जाओगे, बनोगे एक केंद्री, बना दो किसी को मूर्ख, तुम भी ऐसे ही फूल बनोगे और एक केंद्री बन करके हार में गूथे जाओगे। इसलिए कोशिश मत करना, यह धर्म तो अंगूर और मिश्री की तरह सब ओर से मधुर है, कुशल क्षेम को जन्म देने वाला है यह आर्जव धर्म, किंतु मायाचारी कुशल क्षेम को जन्म देने में निपट बाज के समान है, सत्य के सूर्य को डुबाने वाली सांझ के समान है, और अपयश की राजधानी है और सैकड़ों संकटों की सहेली है मायाचारी। इसलिए मायाचारी से दूर रहने का प्रयास करना। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, उस शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि वो मोहित हो गया था, पता है ना, 5 मिनट में उसकी बात को हम पूर्ण करते हैं। हुआ क्या कि वह पुरोहित विद्वान सोचने लगा क्या करूं,
और राजा के पुत्री राजकुमारी का विवाह नहीं हो रहा है इधर से, और राजा के ऊपर किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, तो मंत्री से पूछवाया, पूछो किसी ज्योतिषी से कि हम क्या करें, कैसे करें, आक्रमणकारी राजा बहुत बलवान शत्रु है, जरा पूछो। पूछा गया, पूछने पर उसी ज्योतिषी के पास में पहुंचे तो उस ज्योतिषी ने कहा, देखो ये जो तुम्हारी कन्या है राजकुमारी, उसके कुछ ऐसे योग हैं कि जब तक घर में रहेगी तब तक राजा के ऊपर संकट बने रहेंगे, तो आप बताइए क्या उपाय करें। उसको एक चंदन की सुंदर संदूक में लिटा दो। लिटा करके इस बहती हुई गंगा के अंदर जब वो शयन कर रही हो नींद में ही उसको उसके गंगा के अंदर बहा दो। बस जैसे जैसे बहती जाएगी और वो जब चली जाएगी राजा के यहाँ से, तो राजा का पुण्य प्रबल हो जाएगा, हर परेशानियों से राजा मुक्त हो जाएगा। बस एक ही उपाय, वरना राजा का सारा राज्य चौपट हो जाएगा। चंदन की संदूक हो, जैसे जैसे वो बहेगी उसका कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा। अब वह जो विद्वान था उस नदी के उस किनारे पर रहता था और कुछ शिष्य थे उसके, उनके साथ में वहां पर रहा करता था। राजा ने यही किया, वैसे भी वो दूसरे की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और अपनी राजकुमारी को उस चंदन की संदूक में लिटाया और अथाह नदी के अंदर बहा दिया। बहती बहती जा रही थी, उधर से वो बहुत खुश हो रहा था, हाँ देख लिया बह रही है, पर उसको आने जाने में और भी, अब वो चला गया अपने वहाँ पर, आने में वक्त लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो क्या हुआ, जब वह संदूक जा रही थी तो उधर नगर सेठ का एक पुत्र क्रीड़ा करने के लिए अपने साथियों के साथ में आया था। उसने देखा, अरे वाह कितनी सुंदर संदूक तैरती हुई जा रही है, देखना चाहता हूँ आखिर है क्या उसमें। उसने संदूक को नाव के माध्यम से अपनी तरफ ले लिया और उसको देखा खोल करके, ओ हो एक राजकुमारी जैसा सुंदर रूप धारण करने वाली। वह अपने पास में रख लेता है और अपने पास में उसको रखता है, साथ में उस संदूक के अंदर कुछ वहां का, वहां पर वृक्ष के ऊपर बंदर थे, भूखे बंदरों को पकड़ पकड़ करके संदूक में डाल दिया, 7-8 बंदर उसके अंदर रख दिए और संदूक को वापस बहा दिया। संदूक तो बहती जा रही थी और उस विद्वान ने अपने शिष्य से कह दिया कि लगभग शाम तक यहाँ पर एक चंदन की संदूक आएगी, बस उसके माध्यम से मैं जो विद्या की सिद्धि करूंगा और उस विद्या की सिद्धि से उस संदूक सीधी मेरे कमरे में ले आना, मैं उससे सिद्धि करूंगा और सिद्धि जो मंत्र जाप कर रहा हूँ सिद्धि से बहुत कुछ मुझे आज उपलब्धियां होने वाली हैं। और वो जो देवी देवी रहती है सिद्धि देवी, वो बहुत सारी पुकार भी कर सकती है, चिल्ला भी सकती है, आवाजें भी कर सकती है, लेकिन तुम लोग कोई भी चिंता मत करना, आना मत। वो विद्या से ऐसा सिद्ध होता ही है, फिर बाद में वो वश हो जाता है। बहुत शिष्य खुश थे, आज हमारे गुरु जी को एक विद्या की सिद्धि होने वाली है, बहुत खुश थे। अब जैसे ही वह सारे शिष्यों ने देखा सच में संदूक आगे बहुत सुंदर है, उठा करके लेके गए, खुश खुश होकर के गुरु जी को प्रणाम किया और उनके कक्ष में उस संदूक को रखवा दी, बंद किया कक्ष। अब विद्वान ने सोचा क्या आनंद की घड़ी आ गई, बहुत जल्दी मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। और जैसे ही संदूक को खोला उसने, भूखे प्यासे बंदर नोचने लगे, उसको नोचने लगे, चिल्लाने लगे। अब वह विद्वान चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। शिष्य बड़े खुश, हमारे गुरु जी को विद्या की सिद्धि हो गई, देवी हाँ देवी सिद्ध हो गई है, देखो बहुत अच्छा, भगवान हमारे गुरु जी अब बहुत ऊंचे पहुंचे हुए कहलाएंगे। अब गुरु जी चिल्लाते रहे, लुहान हो गए गुरु जी, बड़ी मुश्किल से मरते बचाते अपने आप को। उन्होंने साकल खोली और दौड़ने लगे, बंदर उनके पीछे दौड़े। शिष्यों ने कहा गुरु जी आपकी क्या दुर्दशा हो गई, अरे मूर्खों कहाँ गए, मुझे बचाते क्यों नहीं, मैं तो मर रहा हूं,
उनकी हालत देख करके पूछा, गुरुजी क्या हो गया? अरे क्या हो गया, थोड़ा सा मंत्र क्या गलत हो गया, वो देवी के स्थान पर बंदर पैदा हो गए। कहते हैं ना, जो ताको काटा हुए तो ही बो तो फूल, तेरे लिए तो फूल के फूल है, उसके लिए त्रिशूल है। इसलिए सीधे सीधे चलो, विपरीत मार्ग में मत चलो, ऋजुता का भाव रखो, इसके माध्यम से ही मुक्ति के महल में प्रवेश कर पाओगे। टेढ़े मेढ़े चलोगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। अगर एक कांटा चुभ जाता है तो धरती पर हमें चलने नहीं देता, तो फिर थोड़ी सी आंख के अंदर कचरा चला जाता है तो हमें देखने नहीं देता, तो अगर मन में थोड़ा सा भी छल का कचरा पहुंच गया, कांटा चला गया, ये माया मिथ्यात्व और निदान तीन शल्य कहीं चुभती रहती है। मायाचारी करने वाला निरंतर सोचता रहता है, संदेह उसके भीतर में, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा कि नहीं, और कहीं नहीं हुआ तो, इस तरह से विचार करता ही रहता है, हाथ में कुछ नहीं आता, अंत तो गत्वा वह अप्रीति का पात्र ही बनता है। इसलिए कहा है, जो प्रेम जताकर प्राण हर लेते हैं, रोशनी दिखाकर आंखें फोड़ देते हैं, जो मुख के मीठे और मन के झूठे होते हैं, वो दिमाग के तो बहुत बड़े पर दिल के बहुत छोटे होते हैं। क्या करोगे चेहरे को चमका करके, जो हमारे शरीर में सबसे अच्छी चीज दिल है, अगर वह नहीं चमका, वह अगर छल से भरा रहा तो हम खुशियों से जीवन बिता नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आज का दिन सिर्फ आज के लिए नहीं, ता जिंदगी के लिए, सरल होने के लिए हमें यह प्राप्त हुआ है, और हमें जैन शासन से ये सीखने को मिल रहा है। बस गुरुदेव के चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि हे गुरुवर, हम अपने जीवन में निश्चल जीवन जिए, जिस तरह से आपका जीवन है ऐसा ही हमारा जीवन बने। विषय में कभी भी छल न करें, कायसर करने का कहे तो हम सच में कायसर करें, पूजन करने जा रहे हैं तो सच में हम पूजन करें, जाप कर रहे हैं तो सच में जाप करें, इसमें छल न करें। नहीं तो क्या होता है, ये भी कर लिया और मन में दुर्भाव भी पल रहे हैं। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, इसी को ही माने धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। खाली क्रियाएं तो कर ली, श्रद्धा दिए, पत्ते दिए, रोचे दिए, तो पुनो ही फांसी दी। धम्म भोग निमित्तम, धर्म को भोगों के निमित्त से किया, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं किया, तो तेरा जीवन यूं ही निकल जाएगा। अनंत बार क्रियाएं की है, लेकिन अब बिल्कुल निश्चल मन से करना है। प्रभु आप हमारे समक्ष है, कोई छल कभी ना करे, ऐसी हमें शक्ति देना, और हमारे भीतर में आर्जव नाम के गुण की शक्ति को हम व्यक्तिकरण करना चाहते हैं। तो अंत में हृदय की कुटिलता वर्षों की मित्रता तोड़ देती है, हृदय की कुटिलता वर्षों की मित्रता तोड़ देती है, कोयल की मधुरता जन जन के मानस को मोह लेती है, सुई की सरलता में होती है अपूर्व शक्ति, वह छोटे छोटे कपड़ों को भी जोड़ लेती है, छोटे छोटे कपड़ों को भी जोड़ लेती है। निश्चल व्यक्ति सभी को जोड़ करके रखता है, और छवि व्यक्ति सबको तोड़ करके रख देता है। तो 24 घंटे के लिए एक बहुत अच्छा नियम, किसी भी विषय में सबसे पहली बात, कोई कपट की भाषा नहीं बोलेंगे, कोई छल नहीं करेंगे, छल का आलंबन नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, इसके प्रतीक में कोई तो नियम चाहिए ना, दीवार से टिक करके नहीं बैठेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूप नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, शांति मेडिकल्स, MMF इंफोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभी, प्रणय, दीपांशु, धृति पाटोदी, श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर, श्री राजकुमार, श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद, श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप,
श्रीमती सीमा जैन, रासु, शीतल, राहुल, अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा, विमल पांड्या, इंदौर, स्नेहलता, विकास काला, जयपुर, ममता, सुरेश सेठी, कोलकाता, सानू, अमित जैन, सूरत, पूर्वा, हर्ष पाटनी एवं हितांश, कोलकाता, सलोनी, हर्षवर्धन जैन, आगरा, वेदिका, यश पाटनी, नागपुर, माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर, श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।